नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अड्डा जॉब्स में, जहां आपको मिलता है जॉब नोटिफिकेशन, फॉर्म फिलिंग और आंसर की से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन। आज का यह वीडियो CISF ने जो हेड कांस्टेबल की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाली है उसके बारे में है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड वैकेंसी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, फीस, सैलरी, इम्पॉर्टेंट डेट और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड सारे डिटेल्स बताऊंगा। आगे हम वैकेंसी की बात करें तो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर हेड कांस्टेबल का टोटल 300 पोस्ट है और अगर आपको इस पोस्ट की डिटेल्ड मैट्रिक्स देखनी है तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी डाउनलोड लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 12th पास हो मान्यता प्राप्त संस्था से और आपने रिस्पेक्टिव स्पोर्ट्स में स्टेट, नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया हो। आगे हम एज लिमिट की बात करें तो आपकी अपर एज लिमिट 1 अगस्त 2019 को काउंट होगी और आपकी उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर उपयुक्त एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जिसकी डिटेल जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम फीस की बात करें तो SC, ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है और बाकी कैंडिडेट के लिए यह 100 रुपये है, जो कि आपको पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पेमेंट करना है। पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट किसके फेवर में बनाना है, इसकी डिटेल जानने के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम सैलरी की बात करें तो हेड कांस्टेबल का पे मैट्रिक्स लेवल 4 है, जिसकी सैलरी 25,500 रुपए से 81,100 रुपए के बीच होगी। आगे हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट है आपका 17 दिसंबर 2019। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए फॉर्म जमा करने का लास्ट डेट है 24 दिसंबर 2019। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है और एग्जाम का भी डेट अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म भेजने का एड्रेस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर ट्रायल टेस्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फाइनल सिलेक्शन और मेडिकल एग्जाम होगा। ट्रायल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जिसकी डिटेल आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आगे हम प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो जो ट्रायल टेस्ट क्लियर करेंगे उनका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा और आपको मिनिमम इसमें 20 मार्क्स लाना है क्वालिफाई करने के लिए। आगे हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो यह प्रोफिशिएंसी टेस्ट और स्पोर्ट्स अचीवमेंट के बेसिस पे होगा और फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल अड्डा जॉब्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। धन्यवाद।